सभी का ईश्वर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वे एक मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया है कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा है, योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिन को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वे ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिन के प्रभाव से उसे उस जगह काम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शक्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वे न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शक्तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धाने से भर गया। अतः पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शक्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।